नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक प्रकृति से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दरअसल आप लोग जानते हैं कि अभी बरसात का दिन है और बरसाती दिनों में अक्सर सांप, बिच्छू ये सब दिख जाएंगे, इसलिए हमें सावधानी की विशेष ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे गाँव में एक बहुत मोटा सा अजगर आपके जगह में आया और लोगों ने उसे मार दिया। देखिए, मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ के नासमझ लोग इस बारे में समझ नहीं पाए और लोगों ने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर दिया। मैं इसी विषय में मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। जब कभी मनसा पूजा होता है तो हमें सांपों की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नहीं, ये शिव का ही एक अंग है और उसे हम लोग भगवान के स्वरूप मानते हैं। और वही कुछ ही दूसरे दिन बीतने के बाद उसको हम लोग सर्वनाश करने में लगे रहते हैं, उसको मार देते हैं। ऐसे सांप का ही बात मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु हैं जो लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया और हमेशा मारते भी हैं। प्रकृति ने सिर्फ मानव को ही नहीं जन्म दिया है, मानव के अलावा बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों का निर्मित उन्होंने किया है, तो प्रकृति को ही उसकी रक्षा और उसका विध्वंस करने का सिर्फ उन्हीं का हक है। लेकिन हम सभी मानव जाति सिर्फ अपने स्वार्थ और भावना के लिए दूसरों, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को नाश कर देते हैं। तो इस बारे में आप लोगों को क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जीव जंतुओं का हमारी प्रकृति से ख़त्म हो जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। ये जीव जंतुओं और मानव से ही है। कभी सिर्फ मानव हमारे जीवन में रहेंगे तो सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, विध्वंस होगा, इसीलिए इनका रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपना राय दीजिएगा इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं। मुझे तो जीवों से विशेष लगाव है। मैंने के बारे में मैंने जानकारियाँ ली तो सांपों को मैं मारता नहीं बल्कि इसे रक्षा करता हूँ, इसके रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित जगह में छोड़ता हूँ। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे। अभी बरसात के दिन है और बरसात में अक्सर सांप मिल जाएंगे, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कभी भी ये सारे सांप दिखे तो उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम करें, उसे मारे नहीं। कोई मोटी अजगर सांप अगर मिल जाए तो उसे आप रेस्क्यूअर को फ़ोन करें और उसको, क्योंकि अजगर सांप को मारना कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो विशेष रूप से सरकार इसके बचाव पक्ष में लगी हुई है, क्योंकि यह सांप दुर्लभ है, बहुत जगहों में मिल नहीं रहा है, इसलिए इन सांपों को बचाना प्रकृति को, सौंदर्य को बचाने से जैसा महत्वपूर्ण है। तो मैं विशेष और क्या बोलूँ, बस इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा मुझे करनी थी, वीडियो ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं थी। मुझे विश्वास है कि यह छोटी सी वीडियो आपके जीवन और आपके विचार को बदल रख सकता है और आपके विचारधारा को बदलने में हम अगर कामयाब हुए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सच में इन लोगों का मृत्यु, इन लोगों की मौत, इन लोगों को मारना कि हमारी प्रवृत्ति है या हम इस पर कुछ बुरा असर कर रहे हैं, बताइएगा।